नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि कहानियां हमारे जीवन में कई सकारात्मक, खूबसूरत, अच्छे बदलाव लाती है। तो आज एक ऐसी ही कहानी आप सभी के लिए लाए हैं जिसे सुनकर बेशक आपकी जिंदगी में भी कई अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है उदयपुर झीलों के शहर के जाने माने बिजनेसमैन गिरीश राजानी की जिंदगी के बारे में। आखिर कैसे इन्होंने बिजनेस की राह चुनी और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, ये सब आपको जानने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारी आज की इस खास कहानी में। दोस्तों, गिरीश राजानी का अपना बिजनेस है, जी हाँ, इनकी ओम गुरु कृपा बोरवेल्स एंड इंटीरियर्स और ओम गुरु कृपा टाइल्स एंड सैनिटरी, ये दो फर्म है जिसे ये सफलतापूर्वक चला रहे हैं। बचपन में, स्कूल टाइम में जब ये अपने पिता को देखा करते थे जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्हें देखकर इन्हें भी बिजनेस करने का एक फितूर चढ़ा। तो बस बचपन से ही ठान लिया था कि अगर लाइफ में आगे जाकर कुछ करना है तो वो है सिर्फ बिजनेस। फिर 1995-96 में इन्होंने अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाया और फोटो स्टेट शॉप और एक एसटीडी पीसीओ लगाया। इसी दरमियान इनकी जान पहचान बढ़ी, नए नए लोगों के संपर्क में आए। तभी एक ऐसे शख्स से इनकी मुलाकात हुई जो बोरवेल ड्रिलिंग की इंडस्ट्री से जुड़े थे और बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर थे। ऐसे में इनका भी इस फील्ड में रुझान बढ़ा और बस तभी से लेकर आज तक ये इसी फील्ड में काम करते आ रहे हैं। कुछ वक्त बाद इन्होंने टाइल्स और सैनिटरी का बिजनेस भी स्टार्ट किया, उसे भी ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ये अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज से संतुष्ट कर सके, क्योंकि इनका मानना है कि क्लाइंट की ज़रूरतों के मुताबिक उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देना ही हमारा पहला फर्ज होना चाहिए। और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी आदत बनाकर उनका अनुसरण करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स होता है जो उन्हें बेहद प्रेरित करता है। तो आपको बता दें, गिरीश राजानी की ज़िंदगी में वो शख्स हमेशा से इनके पिता ही रहे, जी हाँ, जिन्हें ये अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनसे बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियाँ इन्हें सीखने को मिले। आज राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र, हर क्षेत्र के बारे में पिता ने इन्हें एक अच्छा ज्ञान दिया जिसके बलबूते ही ये आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ईमानदारी, अनुशासन, सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, यही इनकी सफलता का मूल मंत्र है जिसे ये अपनी लाइफ में फॉलो करते आ रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई इनके बारे में कुछ जरूरी बातें। इनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन से जुड़ी ऐसी और भी कई दिलचस्प बातें हैं जो अभी जाननी बाकी है। तो आइए क्यों ना सीधा मिलते हैं इनसे और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनके जीवन की ये पूरी कहानी। मेरा नाम गिरीश राजानी है, मैं उदयपुर में रहता हूँ, मेरा बॉर्न भी उदयपुर में ही हुआ है। मेरे फैमिली मेंबर्स हैं मेरे फादर मदर, मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे, मेरी बच्ची वंशिका, मेरा बच्चा का नाम उत्कर्ष राजानी एंड माई वाइफ अंजलि राजानी, माई फादर नेम मुरली राजानी, माई मदर नेम लक्ष्मी राजानी। इस समय मैं अभी बिजनेस करता हूँ, मेरे दो फॉर्म्स हैं, ओम गुरु कृपा बोरवेल्स एंड इंटीरियर्स, ओम गुरु कृपा टाइल्स एंड सैनिटरी। मैं बोरिंग जो ट्यूबवेल्स होती हैं उसमें डील्स करता हूँ, ट्यूबवेल की गाड़ियाँ हैं हमारी, ट्यूबवेल करते हैं, समर्सिबल पंप्स सेल करते हैं, टाइल्स सैनिटरी का हमारा बिजनेस है, टाइल्स और सैनिटरी का हमारा होलसेल रिटेल वर्क है और इससे रिलेटेड जो भी पाइप्स वगैरह की फिटिंग्स वगैरह का वर्क होता है इससे रिलेटेड सारा वर्क हमारा रहता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब लगभग मुझे ये बिजनेस करने का बहुत ज़्यादा जुनून होता था। मेरे फादर भी बिजनेस करते थे, उनको देख देख के मुझे भी एक जुनून था शुरू से। मुझे उस समय से ही मन में था कि मुझे भी एक बिजनेसमैन बनना है। तब मैं जब एजुकेशन कर रहा था तब से ही मैं छोटा था, तब मैंने शुरुआत अपनी ज़िंदगी की एक फ़ोटो स्टेट की दुकान और एसटीडी पीसीओ लगाया था। इट वॉज समथिंग 95-96। इसके बाद
मेरी लिंक में बोरिंग गाड़ी के जो साउथ इंडियंस लोग होते हैं ऐसे कोई मित्र मिले थे, वो लोग भी काम करते थे, मेरे से टच में रहते थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आप भी ये करें। तब मैं लगभग 9th या 10th में पढ़ता था, पर मुझे जो जुनून था बिजनेस करने का, तब से मेरे मन में था कि हाँ मैं कुछ बिजनेस करूँ। तो इनडायरेक्टली मुझे ये लाइन से टच हुआ। स्टार्टिंग में शौक हुआ करता था, जाता था उनके साथ में साइट्स वगैरह पे ये करते करते, देन वो एक लाइफ का पार्ट बन गया। आज करीबन मैं लगभग 23-24 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, बोरिंग की इंडस्ट्रीज में, और बोरिंग और सबमर्सिबल पंप्स में मैं डील करता आ रहा हूँ। इसके अलावा मेरे को 2012-13 के समथिंग एक और कुछ बिजनेस करने का मन हुआ, तो मैंने एक छोटा सा शोरूम प्रताप नगर साइड में डाला, जिसमें मैंने टाइल्स और सैनिटरी से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ काम शुरू किया। अभी उसे भी लगभग 9 साल हो गए हैं और मुझे अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ। जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब पढ़ाई करते थे, जब कॉलेज में आए, उस समय कॉमर्स बैकग्राउंड से था मैं, तो CA बनने का भी शौक था, CA बनूं। बट उस समय सर्कमस्टेंसेस ऐसी नहीं थी कि मैं CA के लिए पूरा टाइम दे सकूं, क्योंकि कुछ घर की उस समय जो थी, मेरी जो सिस्टर्स हैं छोटी, और मैं जब बिजनेस में घुस गया था, फादर और हम लोग काम करते थे, तो लगता था कि मैं बिजनेस में ही पूरा ध्यान दूँ एजुकेशन। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है MCOM करने के बाद उसे छोड़ दिया और CA की तरफ नहीं बढ़ा। हाँ, कुछ समय के लिए मुझे जरूर ऐसी इच्छा जरूर होती थी कि मैं CA बनूं। अभी मेरी बच्ची इस समय 12th class में है और मेरा बड़ा मन है कि वो, उसका भी मन है और मेरा भी मन है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अभी वो NEET के लिए तैयारी कर रही है और मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब खुद ने CA नहीं बन पाया, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरी बच्ची की जो इच्छा है वो नहीं हो। तो मैं उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर जाए। मेरा जो बच्चा है वो इंजीनियर बनना चाहता है, अभी से वो, अभी इस समय राइट नाउ वो 5th class में है, बट उसकी इच्छा इंजीनियर बनने की है और अभी भी वो डाइवर्ट हो चुका है। तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करता रहता है उसे देख के। तो ऐसा लगता है कि जो बच्चों की इच्छा हो, जो मन में हो, उसे किसी ना किसी तरीके से हम लोग अगर पेरेंट्स आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो वो जरूर बढ़ेंगे और उनका रिजल्ट कुछ अच्छा ही आएगा। मैं जब इस इंडस्ट्री में घुसा था, तब मैं एक शौक की तरह घुसा था। मुझे बोरिंग की गाड़ियों पे जाता था, उस समय बोरिंग की गाड़ियों पे बोरिंग होते हुए देखता था, उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करता था कि किस तरह से ये वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे मेरा उस, मतलब वो मेरी लाइफ का पार्ट बन गया। उस समय मेरे जो फादर हैं वो पसंद नहीं करते थे इस बिजनेस को, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह के बिजनेस को करूँ। उनकी एक चाह थी कि मैं कुछ लाइक कपड़े का जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है, या जैसे चश्मे वगैरह की दुकान होती है, उनका फील्ड उसमें ज़्यादा पसंद करते थे कि तू इस तरह का काम सीख। बट पता नहीं, मेरे मन में वो सब चीज़ें नहीं आती थी। एक दो बार मैंने प्रयास करने की कोशिश भी की, पर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरी इच्छा नहीं हुई कि उस चीज़ों को करूँ। मैं इसी को करता रहा, कंटिन्यू रहा, और आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे उन सबको पार करते हुए आज एक अच्छी जगह पर बैठा हूँ। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उस जमाने में जो डिसीजन लिया था वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आज मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ उस बिजनेस के, और अपने एक जो फर्म है गुरु कृपा बोरवेल्स एंड इंटीरियर्स, उसका आज मैंने बहुत अच्छे लेवल पे नाम रखा है उदयपुर में। मेरे पास जो क्लाइंटेज हैं वो भी अच्छे हैं, और जो क्लाइंट्स मेरे से जुड़ते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ मैं वापस से नेक्स्ट डील भी होती है, दे आर फुली सेटिस्फाइड विथ मी। हमारी कोशिश रहती है कि सर्विस पार्ट को हम लोग कहीं पर भी डीले नहीं रखें। किसी भी व्यक्ति का काम कर रहे हैं तो उसे अपना मान के ही करें कि आज अगर हम लोग किसी से कोई काम करवाते हैं तो कितना वेल हो सकता है। पैसा मायने नहीं रखता, आपके पास क्लाइंट है, अगर आप क्लाइंट को ढंग से समझाएंगे तो वो बार्गेनिंग वाला पार्ट हर कस्टमर नहीं करता। कुछ कस्टमर्स होते हैं कि हमेशा बार्गेनिंग पे रहते हैं, बट अगर आप उसका माइंड वॉश करेंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, इसके वैल्यू वास्तव में ये होती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई कस्टमर, अगर आप उसको प्रॉपरली समझाते हैं, गाइड करते हैं, तो वो बार्गेनिंग पे ही टिका रहेगा। तो एक बार अगर उसका काम अच्छा होता है तो वो आपकी बहुत बड़ी गुडविल क्रिएट करता है। कस्टमर टू कस्टमर मिलना, ये अपने आप में मैंने जो शुरू से अपना मंत्र रखा है, कस्टमर टू कस्टमर, या अखबार में बहुत बड़ा विज्ञापन देना या टीवी पे बहुत बड़ा विज्ञापन देना, ये जरूरी नहीं है। आपने कितना अच्छा काम किया है, आप कितना सेटिस्फाइड कर सकते हो, आपकी मस्ट पब्लिसिटी वो है। और आई थिंक कि किसी भी बिजनेसमैन को इस पॉलिसी पे चलना चाहिए। मेरे फादर हैं मेरे रोल मॉडल, मैंने फादर से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने
बिजनेस के भी कई मंत्र मुझे दिए हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें वो सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें उनसे मुझे सीखने को मिली है। मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो भी मुझे फादर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं समाज के कुछ वर्क करता हूँ वो भी मेरे फादर से मुझे सीखने को मिला है। मेरे फादर ने अपनी लाइफ में अलग अलग पार्ट में अपनी एक अच्छी चीजें मुझे दी हैं और मुझे उन सब चीजों का मुझे मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। उन्होंने जो जो मुझे सिखाया है उनकी वो बातें अगर कभी मुझे शायद बचपन में अगर नहीं समझ में आती थी, पर भविष्य में जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया उन सब चीज़ों को जब मैं फेस करने लगा तो मुझे लगा कि हाँ मेरे फादर की ये बातें बिल्कुल सही हैं, मेरे फादर जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। आई थिंक ही इज़ माई रियल हीरो। मेरा बचपन उदयपुर के हिरणमंगी क्षेत्र में ही शुरू से स्टार्टिंग से हुआ। जब हम मतलब मैं जब शायद अपनी बातें करूं तो स्टार्टिंग में हम जब रेंटेड हाउस में रहते थे कभी, तो उस जमाने में मतलब हम लोग जैसे पापा की डांट बहुत खाते थे। पापा मुझे काफी मतलब वो जब डांटते थे तो उस समय तो काफी अजीब सा लगता था, क्यों डांट रहे हैं, क्यों मतलब मस्ती खोर थे हम लोग, हमारा ग्रुप बच्चे जो ऐसे मस्ती खोर होते हैं उस समय हमारे को इन सब चीजों का तो शायद हर व्यक्ति के अंदर ही होता है तो मस्तियां वगैरह करने की आदत थी। पर मैं कई बार डांट अधिक खा लेता था, मेरी दो सिस्टर्स हैं और मैं सबसे बड़े होने से कई बार ये ड्रॉबैक हो जाता है कि आपको सुनना सबके लिए पड़ता है, तो जो अगर मेरी सिस्टर्स वगैरह भी मस्ती करती हैं कुछ भी करती थी तो उसकी डांट मुझे अल्टीमेटली मिलती थी, तू बड़ा है तू समझाता क्यों नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती रहीं और ये सब चीज़ें जब करते थे जब डांट खाते थे तब बड़ा गुस्सा आता था, पर आज हंसी आती है कि उस जमाने में हम लोग कैसी कैसी हरकतें करते थे और हमारे माँ बाप वास्तव में उन चीज़ों के लिए डांटते थे, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। मैं कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। मेरे फादर स्कूटर दिन के समय रखते थे और मुझे काफ़ी शौक हुआ करता था स्कूटर वगैरह सीखने का। तब मेरी हाइट बहुत छोटी थी, मेरे पाँव मतलब स्कूटर पे बराबर पहुँचते नहीं थे, पर मस्ती की आदत थी, स्कूटर सीखना एक जुनून था उस समय। तो हम लोग जैसे मेरे फादर आके दिन को रेस्ट करते थे तो लगभग वो 2 से 4 के बीच में रेस्ट करते थे, उनके पीछे में उनका स्कूटर लेके निकल जाता था। बट मेरे साथ एक ट्रेजेडी होती थी, मेरे पाँव नीचे नहीं पहुँचते थे। अब मैं स्कूटर चला रहा हूँ तब तक ठीक है, जहाँ पे गलती से ब्रेक लग गया या कोई सामने आ गया तो मेरा गिरना तय था। ऐसे में एक दो बार मैंने अपने हाथ पाँव तुड़वा दिए थे और घर आके भयंकर डांट खाई थी। ऐसा कैसा सीन मैंने कार में रखा, जब मेरे फादर जब कार रखते थे तो कार भी मुझे शौक था सीखने का, तो एक आध बार एक्सीडेंट करके आ गया था बचपन में, उस समय उनकी बहुत डांट सुनी थी, बट अब हंसी आती है उन सब चीज़ों को सोचते हुए। एजुकेशन होना तो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ आज के ज़माने में अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें वेल एजुकेटेड तो होना चाहिए। लिटरली आज की तारीख में आप देख रहे हैं जो समय जिस स्पीड से बढ़ रहा है, लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, बट साथ में एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस हमारे को अप डाउन सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे को अप डाउन जो होते हैं उसमें हमें एक्सपीरियंस मिलता है, वो अप डाउन होना भी हर व्यक्ति के साथ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आदमी को अप ही अप मिले। अगर आप अपने बच्चे को मतलब स्टार्टिंग से लेके सारी सुख सुविधाएं देंगे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा कि वास्तव में जिंदगी के अंदर जब उसके साथ कभी भी कोई दिक्कत होती है तो वो कभी उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अप डाउन होने चाहिए। आप अपने बच्चों को भी सब कुछ दें, हर माँ बाप देना चाहता है, पर उस बच्चे को जिम्मेदार बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्सपीरियंस बहुत मस्ट है, एजुकेशन तो सुपर मस्ट है, एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। आज के कॉम्पिटेटिव जमाने में बिना एजुकेशन वाला व्यक्ति कोई भी चल ही नहीं सकता है। एजुकेशन है तो ही आदमी चलेगा और एक्सपीरियंस है तो वो, तो ये दोनों एक कॉम्बो है। अगर ये दोनों कॉम्बो नहीं होंगे तो आदमी लाइफ को जीत नहीं सकता है। अगर कोई इस तरह का कोई काम सीखना चाहता है मेरी जैसे इंडस्ट्रीज है बोरिंग का या सबमर्सिबल पंप्स वगैरह का, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी को टेक्निकली कुछ चीज़ें सीखना जरूरी है। कई बार हम लोग कई जगह पे फंस जाते हैं, जैसे बोरिंग एक इजी गोइंग जॉब आप समझ रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल क्या हुआ, एक डिगिंग की खड्डा किया और आदमी करके आ गया और ये बोरिंग हो गया। कई लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं कि बोरिंग करना सर ये तो क्या है, बोरिंग ही तो कर रहे हैं आप कुछ नहीं, पर इसमें कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। कई तरह जगह पे नदी का बेल्ट होता है जहाँ पे बोल्डर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे सक्सेस होने के लिए अगर एक्सपीरियंस ड्रिलर है आपके पास तो आप उस चीज़ को सक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो बोरिंग सक्सेस नहीं होगा। ऐसे कई उदयपुर क्षेत्र में भी कई एरिया है जहाँ पे बोल्डर्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है या कहीं पे कैविटी वाला बहुत ज़्यादा एरिया है, तो वहाँ पे कितनी केसिंग पाइप लगाना चाहिए, वो सब चीज़ें का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जो भी लर्न करना चाहता है उसे कम से कम साल 2 साल एज अ मैनेजर रह के गाड़ी पे
सीखना जरूरी है, उसके बाद ही वो चीज को समझ के आगे बढ़ सकता है। स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से कोई गाड़ी बना के सोचे कि मैं इस गाड़ी को बना देता हूँ और गाड़ी बना के अपने आदमी रख लेता हूँ और उससे मैं ये सब चीजों को गेन करता रहूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, वो माइनस में आ जाएगा। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट है कि आप पहले लर्न करो, जैसे हम पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर चीज सीखते जाते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी वही चीज है, चाहे ये बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, आपको कुछ सीखना बहुत जरूरी है और अच्छे ढंग से सीखना है। और आज की जो युग जो नया आएगा उसे तो शायद हमारे से भी, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा उसको सीखना जरूरी है, क्योंकि डे बाय डे कॉम्पिटिशन और नई नई तरह के पार्ट्स, नई नई तरह की प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, तो उन सब चीजों को सर्वाइव करना, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। मैं शुरुआत से अगर वापस वहीं चला जाता हूँ तो मेरा मन कभी डॉक्टर बनने का भी था, ऐसा जब छोटे थे तब, जब हम लोग जब ये कॉमर्स वगैरह जब ये तो लगभग हम लोग 11th क्लास से लेने लगे, उससे पहले जब छोटे होते हैं तो घर वाले, आप जनरली देखते होंगे कि अमूमन हमारा बचपन जो भी निकला उसमें माँ बाप हमेशा ही कहते थे मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। ये पता नहीं उस जमाने का बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज था, आज तो वास्तव में मेरी बेटी भी चाहती है इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ, पर उस जमाने में तो हमारे दिमाग में उस समय फोकस होता था कि हम सोचते थे मुझे डॉक्टर बनना है। पर जब एजुकेशन, जब मतलब पढ़ाई में हम आगे बढ़ते गए, साइंस सोशल और ये जब सब्जेक्ट आते थे, इन सब आर्ट्स वगैरह सब, तो जब 10th में आने के बाद हम लोगों ने अपना डिसीजन लेने किया तो हमारे को लगा नहीं कॉमर्स, अगर अपना फील्ड चॉइस किया तो कॉमर्स, तो जब मैंने कॉमर्स पसंद किया तो मुझे फिर CA बनने का क्रेज हुआ। तो अगर उस जमाने में मैं वापस चला जाता हूँ और अगर मेरे पास वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जिस तरह के एटमॉस्फेयर चाहिए, तो मैं CA बनना पसंद करूँगा। कोविड से सर हम लोग जनरली एक बहुत अच्छी चीज़ सीखे है, लोगों ने एक दूसरे को हेल्प करते हुए, जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी जैसे एज अ सोशल वर्कर मैं हूँ तो हम लोगों ने भी जब किया तो हमें भी काफ़ी एज अ रूटीन हमारी आदत तो है ही, बट कोविड के टाइम में स्पेशली हम जब देखते थे कि लोग दिल से मतलब उस समय मतलब लोगों को एक चीज़ नहीं सीखने को मिली कि हर चीज़ पैसा नहीं है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, जो इंसानियत लोग बाग भूल चुके थे कई हद तक, वो लोगों ने देखा। कई लोगों ने अपने मतलब घर परिवार के लोगों को खोते हुए देखा, वहाँ पे भी लोगों को लगा कि पैसा ही मस्त नहीं है। तो ये चीज़ तो हो गई कि 100% प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं सोशलाइज होना जरूरी है। आप लाइफ को किसी भी व्यक्ति की अगर मदद करते हैं तो आपको सुकून मिलता है, ये हम लोग खुद भी फील करते हैं। तो कोविड से सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि लोगों ने एक तो 100% पैसे के प्रति अपना झुकाव बहुत ज़्यादा जो था वो कम कर दिया। ऐसे कुछ लोग होंगे जो आज भी वैसे ही होंगे, पर काफ़ी हद तक लोगों के मन में ये आ गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, कुछ जो लाइफ स्टाइल है। दूसरा, लोगों ने अपने घर परिवार को भरपूर टाइम दिया, जो भरपूर मतलब परिवार को समझते नहीं थे, अपने परिवार के साथ 3-3, 4-4 महीने घर पे रहे, तो बहुत सारी आपसी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। जो लोग केवल अपने बिजनेस और अपनी इंडस्ट्रीज में बिजी होते थे तो अपने घर परिवार के साथ जब वापस से वो पुरानी यादें हो गई, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना या स्पोर्ट्स खेलना या छोटी छोटी जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब खेलना, तो वो एक अपने आप में अपने बचपन में लेके जाना शुरू की थी। ये कोविड की दूसरी अच्छी चीज़ है जो घर परिवार को जोड़ा। तीसरा, लोगों ने कहीं ना कहीं एक मानवता क्रिएट हुई इसके अंदर, लोगों के अंदर एक मतलब अपने आप में एक मानवता बढ़ने लग गई। अगर हम लोग सोचें कि अगर जैसे प्योरली आदमी मतलब दान पुण्य जो करता था, वो जो लेवल था वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, भगवानों की भगवान मतलब मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। दूसरा ये कि कई लोग मंदिर जाने से ही मानते हैं कि मतलब जो रेगुलेटरी थी वो चीज़ बंद हो गई थी, उन्होंने घर में ही पूजा पाठ करना शुरू किया। उसको के बाद कई लोगों की एक साइकोलॉजी होती है ना कि नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, बेम होता है कि मैं मंदिर जाना जरूरी है या फलाने जगह जाना जरूरी है, वो सब चीज़ें नहीं गए तो भी लाइफ अच्छी चली थी और लगभग यही सारी चीज़ें थी। अभी एक नई चीज़ और भी हुई है इसमें, लोग जो डिजिटल इंडिया, हम लोगों इंडिया के लोगों का जो सपना था कि डिजिटल इंडिया बने, डिजिटल इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी लोग चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया बने, वो चीज़ को जो 4-5 साल शायद आगे बढ़ते, 4-5 साल लगते उस जिस लेवल पे आज डिजिटल हुआ है, वैसा अगर 4-5 साल सोचते ये कोविड नहीं होता तो शायद इसे 4-5 साल और लगते, इसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, लोगों को सिखाना पड़ता। बट अभी आप देखें कोविड के समय में एक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है, बच्चे मतलब उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। हम लोग इसे बड़ा वो लाइटली लेते थे कि ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती क्या होती, पर आप देखो 2 साल से बच्चे
मतलब आगे से आगे केवल ये डिजिटल इंडिया के मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ के ही आगे बढ़ रहे हैं, क्लास जंप हो रही है उनकी। दूसरा डिजिटल का हम लोग जो लेन देन है इस चीज को बहुत बढ़ावा मिला है इस कोविड के समय में। फिजिकली हम लोग जो पैसा देते करते थे वो चीजें कम हो गई, अभी सारा ही ट्रांसफरेशन डिजिटल पे हो गया है। तो डिजिटल लाइफ आ गई है, हम लोग भी स्मार्टफोन्स टैब्स वगैरह पे ही काफी कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोग अपने वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को डिजिटल इंडिया जो हम लोग सपना देखते थे उन चीजों को प्लस करने में इस कोविड का बहुत अच्छा रोल रहा है। शुरू से एक्चुअली एक जुनून ही था कि बिजनेस करना है, एक जगह पे आके बिजनेस लेवल पे लेके आना है। तो उसके लिए आप समझते हैं कि अगर हम लोग किसी एक चीज को हमारे को चॉइस करना होता है उस समय, या तो पूरा फैमिली को आप टाइम दे दो या थोड़ा बिजनेस के प्रति आप झुका हो जाओ। एक लेवल पे जब आपका बिजनेस आ जाता है, सेटअप हो जाता है, उसके बाद आप अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। पर जब आप एक यंगस्टर हैं, आपकी जो एज है उस समय आपका मोटिव उस समय यही होना चाहिए कि आप अपनी जो जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप लाइन चॉइस करते हैं, आप सर्विस करते हैं, इंडस्ट्रीज में हैं या बिजनेस में हैं, आप उसमें अपना 100 लगा दें उसके अंदर, तभी आप एक सक्सेसफुल बनेंगे। आप 50 इसमें लगाएंगे, 50 फैमिली में लगाएंगे तो शायद आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उस पीरियड को हम लोगों ने पूरा पूरा बिजनेस की तरफ डाइवर्ट किया। ऐसे भी पीरियड देखा मैंने जिस समय मैं बिजनेस की जो मेरी एज थी जब मैं बिजनेस के अंदर घुसा था, मेरे कई मित्र जो थे वो एजुकेशन पढ़ते ही गए और मतलब उसके बाद वो जब बिजनेस में आए तो शायद आई वॉज वेरी एक्सपीरियंस, मैं उस जमाने को उस चीज को कैच कर चुका था क्योंकि बिजनेस नॉट ईजी गोइंग, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने में मिलता है, तरह तरह के लोगों के साथ हमारा टच होता है, तरह तरह के लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है, बैड एक्सपीरियंस भी मिलता है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, कई लोग दुनिया क्या सोचती है, दुनिया से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम बहुत ज्यादा अधिक सोचते हैं कि हम मतलब ये सब चीजें समझते हैं, पर कई बार हमारे को कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो हमें कुछ सिखा के जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि अगर बिजनेस में अगर आप घुसे हैं या कोई भी चीज आप कर रहे हैं और फैमिली भी साथ में है तो फैमिली को आप टाइम दें, जरूर दें, बट अपना फोकस अगर जब आपके जो चॉइस है उस चीज पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में देते हैं तो हो सकता है एक लेवल के बाद आप अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दें और आपकी वो चीज भी मैनेज हो जाए। फ्री टाइम में सर मुझे बच्चों के साथ कुछ इंडोर एक्टिविटीज हम लोग करते हैं या कहीं वॉक वगैरह करने चले जाते हैं या मूवीज देखते हैं, तो बच्चों के साथ मुझे टाइम निकालने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। सेकंड ये कि किसी भी प्रकार का कोई हम लोग अगर कोई जो बचपन में हम लोग गेम वगैरह खेलते थे, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह कुछ भी, तो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ टाइम डाइवर्ट करें उन सब चीज़ों में, या कोई बुक्स वगैरह है या ऐसी कोई है तो हम लोग आपस में बैठ जाते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, कोई बुक्स वगैरह होती है अच्छी तो मैं उसको लेके पढ़ने लग जाता हूँ, बस यही सब चीज़ें। और आजकल तो आप जानते हैं व्हाट्सअप वाला ज़माना है तो बहुत कुछ तो मित्र लोग ही दे देते हैं, बुक्स खोलने की जरूरत नहीं होती, तो व्हाट्सअप फेसबुक ये भी एक पार्ट बन चुके हैं। तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, आप अपने काम के प्रति कितने डिसिप्लिन रखते हैं वो एक पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है आपको। आपको मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी लोग बाग ग्रोइंग करना चाहते हैं, कई बार चीटिंग करके काम करते हैं तो वो कुछ पीरियड तक ही वो सक्सेस होते हैं, उसके बाद ऐसे मैंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत लोग देखे हैं जो बहुत शॉर्टकट में आगे निकलना चाहते थे बट ऊपर वाले की लाठी में बहुत ताकत होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं और एक पीरियड के बाद वो लोग अनसक्सेस हो गए, आज उनके नाम भी नहीं है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं कि जो बहुत शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। हम लोग शुरू से एक डिसिप्लिन में रहे हुए हैं, कोई भी काम करना है वो बीइंग सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद ही, मतलब केवल हमारा खुद का सेटिस्फेक्शन होना या केवल हमारा स्वार्थ पूर्ण होना ही जरूरी नहीं है, हमारे कस्टमर की भी, जो व्यक्ति हमारे को बुला रहा है किसी वर्क को करने के लिए, कोई सर्विस हमसे ले रहा है, वो सर्विस उसे फुलफिल मिलनी चाहिए, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए और वो जो खुशी से आपको जो दो पैसा देता है ना, शायद उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स के साथ वो पैसा देता है, वो ब्लेसिंग्स आपको इनडायरेक्टली उस पैसे से भी ज़्यादा काम करती है। तो मेरी सोच ये है कि आप अपने कस्टमर को हैप्पी कस्टमर रख के ही काम करें तो शायद आपकी लाइफ में जितना आपको ग्रोइंग होना है उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके लिए इन बैकग्राउंड आपके लिए पब्लिसिटी भी करता है कस्टमर, जिस कस्टमर को आपने केवल आपने अपना मतलब सर्विस दिया, काम किया, वो सेटिस्फाइड है तो आपकी पब्लिसिटी पीछे कर रहा है, ये आपकी मतलब अनलिमिटेड आपकी एडवर्टाइजिंग में। दूसरा उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है,
एक उसके साथ आपके रिलेशंस क्रिएट होते हैं। आप हो सकता है, मैंने अपने कई कस्टमर्स के साथ हमारे एक फैमिली रिलेशंस भी बन गए, हेल्दी रिलेशंस हो गए आज। और मुझे जब तक याद है मेरे मतलब 20-20 साल पुराने क्लाइंट्स हैं जिनके परिवार में कभी कोई फंक्शन होता है या मेरे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग आपस में मतलब उस प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, मिलते हैं। मतलब एक छोटे से काम से हम लोग जुड़े थे पर उसके बाद हम लोग एक फैमिलियर बन गए। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। तो डिसिप्लिन मस्ट है सर, डिसिप्लिन होना चाहिए। और आपकी मतलब इसे हिंदी में कहते हैं जैसे नीति, आपकी नीति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप कितना अच्छा वर्क करके किसी दे सकते हैं सामने वाले को, वही आपके लिए सक्सेस है। साथ में हॉनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, काम के प्रति जुझारू होना चाहिए। आपको मतलब मन होना चाहिए काम करने का। आप अगर अपने मन से काम करते हैं वो काम 100% अच्छा होता है। आप किसी भी काम को जबरदस्ती लेके करेंगे और आपका मन नहीं है, किसी कस्टमर के साथ आपके डील करने का मन नहीं है पर किसी फोर्सफुली आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो शायद मेरे को लगता है कि वो काम भी कई बार बिगड़ जाता है। बट आप अपने मन से वो काम करने जाएंगे और उस कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है पहले उस चीज को पूरा ढंग से समझेंगे तो शायद वो काम अच्छा ही होगा। क्योंकि आपने जब उनकी रिक्वायरमेंट समझ ली और आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो तो आपका मन भी काफी अच्छा होता है, आप भी कूल फील करते हो, कस्टमर भी कूल फील करते हैं। मुझे उस स्ट्रगल पीरियड में मतलब इकोनॉमिकली जब मेरे फादर अकेले कमाने वाले होते थे उनके ऊपर भी बर्डन रहता था पूरे परिवार का और वेल सेटल कुछ बिजनेस नहीं होने से कुछ पीरियड ऐसा चला जब तब मैं पढ़ाई करता था, जब शायद आई थिंक 9th-10th में मैं था तो मुझे ये जुनून सा था कि मुझे भी कुछ कमा के कुछ करना है। तो मैंने मेरे फादर से के ऊपर मतलब डिपेंड होना, मुझे फादर के ऊपर परेशानी देना, ये सब चीज़ों को मुझे चाहता था कि मैं छोड़ दूँ। मैं फादर से मतलब मुझे फादर ने इतनी सारी अच्छी चीज़ें दी हैं तो मैं उसको यूज़ करूँ। तब मैं जब बोरिंग का काम करना शुरू किया था तब मैं इन सब चीज़ों के जरिए अपने आप को रेडी रखता था। तो शायद मुझे जब तक ध्यान है कि 10th क्लास में जब मैं था और 10th क्लास के बाद से टिल मेरी एजुकेशन एंड टिल नाउ तो मैंने फादर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं डाली और इस बात से मेरे फादर काफ़ी हैप्पी हैं। तब मैं खुद पढ़ा, मैंने अपनी स्कूल लाइफ की जो बची हुई टाइम था उस समय अपनी फीस, अपने कॉलेज लाइफ की फीस खुद भरना, खुद से बुक्स लेना, ये सब चीज़ें की और उसके बाद अपना बिजनेस को डेवलप करना। तो मेरे फादर को कहीं ना कहीं एक वेल कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है। स्टार्टिंग में मेरे बिजनेस से वो नाखुश थे उस बिजनेस से कि ये ट्यूबवेल की लाइन वो अच्छा नहीं मानते थे, वो सोचते थे नहीं कुछ और करे, ये करे वो करे, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। बट जब उनको लगा कि हाँ ये अपने आप में एक लेवल क्रिएट कर रहा है, अपना काम कर पा रहा है, तो उनको भी लगा कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, काम कोई भी हो सब काम करने चाहिए। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और उस स्ट्रगल पीरियड से मैं बहुत कुछ सीखा। मैं शायद मेरे फादर उस समय मुझे बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं देते तो शायद मैं स्ट्रगल भी नहीं कर पाता और आज तक कुछ सीख नहीं पाता, मुझे लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ जाती। बट मैंने स्ट्रगल किया तो आज लग्जरी की कीमत क्या होती है मुझे पता है। मैं अपने मन से जान सकता हूँ कि किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या होती है। जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने स्कूल डेज के बाद जब कॉलेज लाइफ में गया तो कॉलेज में मेरा इंटरेस्ट, मेरे फादर से पॉलिटिकल फील्ड में है तो मेरे को उनको देख के पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि थी। मैं इलेक्शन यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के में था तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स कॉलेज में मैं चुनाव लड़ने वाला था और मैं जब घुसा था तो स्टार्टिंग से ही मैं मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर इस अलग अलग पदों पे रहा था इस कॉलेज की टाइप में। तो जब मेरा टाइम आया था इलेक्शन लड़ने का तो मैं जहाँ पे अपने मतलब हमारी जो फॉर्म है गुरु कृपा या हमारा जैसा भी हम लोग जहाँ हमारे मतलब गुरु महाराज को मानते हैं, मेरे फादर वगैरह सब मानते हैं, तो उस जमाने में वहाँ पे हम लोग काफ़ी मतलब हमारे झुकाव हैं, हम लोग उनके बगैर कुछ भी काम नहीं करते। उस समय उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं ये चुनाव नहीं लड़ना, तो मेरी बहुत मेहनत थी। बट उस समय मैं एक बार तो काफ़ी मन उदास हो गया था जब मेरी पूरी तैयारी होने के बाद भी मैं चुनाव नहीं लड़ा और अपना हाथ पीछे कर दिया। तो उस जमाने में मेरा एक मित्र और भी था, वो भी हम दोनों ही चुनाव नहीं लड़े थे, वो भी चुनाव लड़ना चाहता था। बट इंटरेस्ट अब फिर भी एक बार तो टूट गया था, फिर से वापस अलग अलग फील्ड्स में जुड़े हुए थे तो हमारा इंटरेस्ट वापस जगा। तो उसके बाद मैं स्टेट अपना सबसे पहले तो उदयपुर यूथ कांग्रेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा।
कॉलेज की लाइफ में ही उस पर। इसके बाद मैं हमारे समाज के सिंधी समाज की कुछ पदों पे हुआ, इसमें मैंने उस समय अपने मतलब अपने जो यंगस्टर्स लड़के वगैरह थे जो हमारे समाज के थे उन लोगों को जोड़ के झूलेलाल युवा संगठन बनाया था मैंने। ये लगभग 2000 साल की बात है उस समय, और मेरे पास करीबन उस समय 186 लड़कों को जोड़ के मैंने एक संगठन क्रिएट किया था जो आज तक टिल चल रहा है। इसके बाद कुछ पीरियड के बाद मैंने एक झूलेलाल नारी संघ भी बनाया, आज दोनों ही संस्थाओं का मैं फाउंडर हूँ, और साथ में मैं सिंधी समाज की हमारी सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति होती है उसका मैं अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्लस मैं यूथ कांग्रेस का स्टेट इंचार्ज भी रहा हूँ, और भी कई पोस्टों पे मैं रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के सिर्फ मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था पर यूनिवर्सिटी एडवाइजर्स स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वगैरह सब रहा था मैं, तो शुरू से एक पॉलिटिकली फील्ड में तो मैं जुड़ा हुआ ही था। सोशल वर्क हम लोग अब तो सोशलाइज भी बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि सोशलाइज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अब जिम्मेदारियाँ भी हैं। अभी हमारी एक जैकमाबाद पंचायत है समाज की, उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ, तो इस तरह से कुछ संस्थाओं से और भी जुड़े हुए हैं और समाज के जहाँ पे भी काम आ सकते हैं, जैसे कोई ब्लड कैंप कराना, साल में 2 से 3 ब्लड कैंप मैं करवाता हूँ, हमारी मतलब मैं क्या कराता हूँ, हमारी संस्था कराती है जिसका मैं मतलब फाउंडर हूँ, झूलेलाल युवा संगठन नारी संगठन। इसके अलावा हम लोग समय समय पे अलग अलग तरह की जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते रहते हैं, जैसे कई बार हम लोगों ने बीच में ये जो परिंदे होते हैं, परिंदे जैसे जो ये गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए हैं, ये कुछ गार्डन्स में हमने लगाए थे, जलकुंभी वगैरह कई जम जाती थी, ये कोविड के पहले की बात है, तो जैसे पत्रिका वगैरह इनके साथ मिलके भी हम लोगों ने, भास्कर परिवार वगैरह के साथ भी मिलके हम लोगों ने ये सब एक्टिविटीज़ भी की हैं, जिसमें जलकुंभी वगैरह सफाई करना, ये सब हमारे संगठनों के एक्टिविटीज़ रही हैं। और भी जैसे कोई हमारे समाज की कोई लेडीज़ कोई परेशान है या कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो उस तरह की पूरी कोशिश में रहती है। हमने ऐसी कुछ यूनिट्स बना रखी हैं जिसको मतलब वर्क दे देते हैं कि आप उनकी कोई भी तकलीफ है तो आप इन्हें सॉल्व करें। मेरे फादर से ये सब चीज़ें मैं सीखा हूँ, मेरे फादर इस समय आज की तारीख में उदयपुर की हमारी हिरणमंगरी सिंधी पंचायत है उसके प्रेसिडेंट है, जो पिछले लगभग 3 to 4 टाइम्स वो मतलब प्रेसिडेंट बने हैं और निर्विरोध बने हैं। समाज के अंदर वो काफ़ी टाइम देते हैं, उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपना मतलब शायद पिछला 18 से 20 साल हो गए लगभग वो बिजनेस की तरफ बिल्कुल छोड़ चुके हैं, पूरा फुलफिल अभी समाज की तरफ ही हैं जो समाज के अध्यक्ष हैं। बाकी उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी पहले से मतलब 20 साल से तो ये प्रेसिडेंट है ही है, इसके पहले भी काफ़ी समय से अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ वो रहे हैं, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने स्तर पे कई हमारे समाज के जो केस होते हैं लड़के लड़कियों उनको भी पूरी तरह से वो समाज के अंदर निपटा देते हैं, और उनके कार्यकाल के पीरियड में वो उन्होंने जितना मतलब अपना समय दिया है अभी वो मतलब ये समझे आप 24/365 मान सकते हैं आप उनको, कि वो अपने परिवार से ज़्यादा अपने समाज को समय देना पसंद करते हैं। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उनका एक की छोटी सी लाइन है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, किसी और के लिए जी के देखो। ये उनकी जीवन की थीम है कि मैं सब अपने लिए ही लोग बात सोचते हैं पर किसी और के लिए सोचेंगे तो शायद हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए काम करती हैं, वो जो कुछ करते हैं उसका अल्टीमेटली हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है, और वो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा वर्क कर रहे हैं जिसे समाज के हमारे जो समाज हैं उसके कई परिवारों और उनको देख के हमें बताते हैं। जब मेरे बैक में भी वो कई बार जैसे समाज के केस वगैरह करते हैं जो सॉल्व करते हैं या कोई भी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मुझे कई लोग उनके बैक में बोलते हैं कि यार आपके पापा ये करते हैं जो चीज़ें मुझे तो पता है काफ़ी कुछ, पर उनसे जब मैं सुनता हूँ तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ मेरे फादर कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ही इज़ अ रियल हीरो अगेन, मेरे क्लाइंट्स, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सबके लिए मैं एक छोटा सा ये गाना जो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सॉन्ग है और जिसे मैं कहीं भी मेरे मित्र तो जानते ही हैं कि मैं यही गाना उनके सामने भी कई बार गुनगुना चुका हूँ। दिस इज फ्रॉम मूवी हम दोनों। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से,
मैं उन्हें केवल एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर मेरी सारी कहानी सुन के कोई एक व्यक्ति भी इंस्पायर होके कुछ अच्छा करता है तो शायद मेरा ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मेरी कहानी से भी कोई मोटिवेट होता है तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। मेरी लाइफ में जो भी मैं आपके सामने शेयर कर पाया, किसी भी तरह से हो सकता है, किस तरह से मैंने आपके सामने ये बात रखी, बट उसके अंदर भावनाएं जो थी वो काफ़ी मन से निकली हुई थी। तो अगर इन सब चीज़ों को सुन के कोई इंस्पायर होता है, कोई मोटिवेट होता है, या कोई मेरी बात से सहमत होता है, तो उसके लिए मैं रियली वेरी थैंकफुल रहूँगा और चाहूँगा कि वो इस कहानी को आगे कहीं शेयर करे। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप भी इस वर्कमॉप एप्लीकेशन के माध्यम से इसे दुनिया को बता सकते हैं। हमें हमारी कहानी को ज़रूर बताना चाहिए। हमारी बारे में जब हमारे बच्चे सुनते हैं, हमारे फ्रेंड सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं हमारे मुंह से जो हमने कभी उन्हें बताई नहीं होती हैं, और उनसे हो सकता है कुछ मोटिवेशन भी उन्हें मिले, हो सकता है उनके चेहरे पे एक लाफिंग क्रिएट हो। तो कहानी होती है, हम भी किसी की पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारी भी कोई सुनना चाहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू दोस्तों, ये थी बिजनेसमैन गिरीश राजानी की जिंदगी की खूबसूरत कहानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके पास भी मौका है अपनी कहानी सब तक पहुंचाने का, तो आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियां ही बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती हैं हर एक की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है। तो आप भी ऐसी ही नई नई कहानियों को सुनने के लिए जुड़े हमारे साथ इस मुहिम में और सुनाएं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर एक नई कहानी से एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।